गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो भाई सारे के सारे। गुड इवनिंग, तो वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग एकेडमी चंडीगढ़ में। तो बाबा फरीदकोट स्टाफ नर्स का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है भाई, अगर आप भी करना चाहते हैं बेहतरीन तैयारी और रैंक के साथ चाहते हैं कि मैम सिलेक्शन हो, ठीक है, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं आज ही रेगनार नर्सिंग एकेडमी को 7015849619 पे कॉल करके, मैसेज करके। आज हम जो ये पेपर सोल्व करने वाले हैं ये रहने वाला है BFUHS पोस्ट बेसिक का जो एंट्रेंस हुआ था उसका एग्ज़ाम रहने वाला है। जो क्वेश्चंस आपको इस एग्ज़ाम में आए हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, जो कि 120 पोस्ट का आपका रहने वाला है उसके अंदर, ठीक है भाई। सो आप लोग भी रेडी रहिएगा अपने सिलेक्शन के लिए। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपना जो ये इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो ये जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, एंड तक बने रहिएगा और मैं आपको वो क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम्स में इसके अलावा आ सकते हैं, ठीक है। ये तो आएंगे ही आएंगे लेकिन इसके अलावा भी आ सकते हैं। तो चलिएगा भाई, द इम्प्रूवमेंट इन विच अ ब्लड वैल्यूज इंडिकेट एन इफेक्टिव डायलिसिस। एक पेशेंट है जिसका डायलिसिस किया गया है, तो ऐसी कौन सी लेबोरेटरी वैल्यूज़ हैं जो ये इंडिकेट करेगी कि पेशेंट का जो डायलिसिस हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लो हो गया है सीरम क्रिएटिनिन लेवल, HB लो हो गया है, या फिर आपको यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल रहा है या हाइपोकैलीमिया देखने को मिल रहा है। बताइएगा कौन सी ऐसी कंडीशन है जो ये बता रही है कि पेशेंट का जो डायलिसिस आप लोगों ने किया है वो इफ़ेक्टिव रहा है। ऐसा कौन सा लेबोरेटरी वैल्यू है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? वेरी गुड कि मैम देखो डायलिसिस हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारी जो किडनी है वो फेल हो चुकी है पेशेंट की, वो काम नहीं कर रही प्रॉपरली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट का डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस में आप क्या करोगे, जो बढ़ा हुआ सीरम क्रिएटिनिन लेवल है उसको डिक्रीज करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, रीनल सिस्टम से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कल मैं आपको क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं वो भी मैं आप लोगों को कल की क्लास के अंदर बता दूंगी। आप मॉर्निंग में जब अपनी बैच की क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ लेंगे कि आपको ये टॉपिक्स तो बिल्कुल टिप्स पे कर लेने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, व्हेन अ नर्स इज प्लानिंग एन इनिशियल होम केयर विजिट, जब एक नर्स इनिशियल होम केयर विजिट प्लान कर रही थी फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ अ न्यूबॉर्न, एक न्यूबॉर्न बच्चा हुआ है, उसने रिकॉग्नाइज किया दैट द विजिट विल बी मोर प्रोडक्टिव, कि विजिट ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी इफ शेड्यूल्ड व्हेन द, कि जो आप ये विजिट करना चाहते हो न्यूबॉर्न की डिलीवरी के बाद वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी अगर आप इसी विजिट को तब करें जब माँ क्या कर रही हो, फीडिंग कर रही हो इन्फेंट की, हस्बैंड इज़ आउट ऑफ द होम, हस्बैंड घर से बाहर हो, टाइम इज़ कन्वीनियंट फॉर द फैमिली, जब ऐसा टाइम चूज़ करें जो कि फैमिली के लिए कन्वीनियंट हो। नेक्स्ट है नर्स द टाइम टू स्पेंड विद द फैमिली, तो ऐसे टाइम पे जाए जिससे आप उस उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएँ। कौन से टाइम पे आप यहाँ पे होम हेल्थ केयर विजिट करोगे? तो भाई जो फैमिली के लिए कन्वीनियंट टाइम है उस टाइम पे आप क्या कीजिए, हेल्थ विजिट कीजिए। क्यों भाई? क्योंकि मैम अगर, क्योंकि फैमिली और साथ में मदर दोनों का रिस्पांस चाहिए आपको और दोनों को आप न्यूबॉर्न एजुकेशन भी दोगे, तो इसलिए आपके लिए बेस्ट रहेगा जब आपके लिए जो फैमिली है वो कन्वीनियंट टाइम के लिए जब
वे सारे अवेलेबल हों उस टाइम पे आप हेल्थ टीचिंग करेंगे। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंडर द रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय, रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो किसके थ्रू स्टिमुलेट किया जाता है। ऑक्सीजन थेरेपी में बताया हुआ क्वेश्चन है कि COPD के मरीज के अंदर कम ऑक्सीजन क्यों दी जाती है। COPD का मरीज है, मैंने बोला था 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन दोगे, ठीक है ना, 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से आप क्या दोगे भाई, ऑक्सीजन दोगे। तो आप ये बताओ कि नॉर्मल फिजियोलॉजी कंडीशंस के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कौन करता है। तो मैंने बोला था ऑक्सीजन का लेवल लो रखेंगे, क्योंकि CO2 का लेवल बढ़ेगा, यही हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ओब्लोंगेटा को स्ट्रोंग क्या करेगा भाई, स्टिमुलेट करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करेगा भाई, ये स्टिमुलेट करेगी हमारे मेडुला को कि अब तो ऑक्सीजन को अपना जो रेस्पिरेशन है उसको स्टिमुलेट कर देगी कि अब तो रेस्पिरेशन कर, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगला है, अगर आप ज़्यादा ऑक्सीजन दे दोगे ना पेशेंट को तो उसका मेडुला जो है वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो उसको बाहर से मिल ही रही है। अगला क्वेश्चन है, एक नर्स केयर कर रही है फॉर अ क्लाइंट विद रेमेटोइड अर्थराइटिस, रेमेटोइड अर्थराइटिस के साथ में द प्राइमरी कंसिड्रेशन इन केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट, प्राइमरी कंसिड्रेशन क्या होगा जब आप प्लानिंग कर रहे हो, केयर कर रहे हो इस पेशेंट की। एक नर्स है रेमेटोइड अर्थराइटिस का आप पेशेंट है भाई, ठीक है, आप उसकी केयर कर रहे थे, तो आप सबसे पहले क्या कंसीडर करोगे उसकी केयर के लिए। तो सबसे पहले तो उसको रेस्ट दो, कंफर्ट दो, सबसे पहले क्या दो, रेस्ट दो, कंफर्ट दो, क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ क्लाइंट इज एक्सपोज टू एन एंटीजन थ्रो इलनेस, जब एक क्लाइंट को एक्सपोज किया जाता है एंटीजन से, इलनेस हुई है तब और वैक्सीनेशन के थ्रू, ओके, देखो जब एक पर्सन है वो किसी भी एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा या आप उससे किसी एंटीजन का कॉन्टैक्ट करवाओगे तो इम्यूनो सिस्टम डेवलप, इम्यूनो सिस्टम क्या डेवलप करेगा, ठीक है भाई, वेरी गुड। तो भाई हमारा इम्यूनो सिस्टम क्या बना लेता है, एंटीबॉडीज बना लेता है। ये तो दोनों की दोनों क्या है, WBC की टाइप है। आज ही मैंने ग्रैनुलोसाइट, एक ग्रैनुलोसाइट का डिफरेंस आप लोगों को बताया था, रिथ्रोसाइट RBC है। तो क्या बनाता है भाई, एंटीजन के खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनती है बॉडी में। अगला क्वेश्चन है, नकल रिजिडिटी विल नॉट बी सीन इन, नकल रिजिडिटी किस में देखने को नहीं मिलती, नकल रिजिडिटी किस में देखने को नहीं मिलती, मेनिनजाइटिस में, इंट्राक्रेनियल मास विद हर्निएशन नेक्स्ट है, इंट्राक्रेनियल हिमाटोमा में या सेरिब्रल कंक्यूजन में। तो आपको पता है भाई मेनिनजाइटिस का मेन साइन होता है कौन, नकल रिजिडिटी, लेकिन आपसे पूछा क्या है कि किसके अंदर देखने को नहीं मिलती, तो इंट्राक्रेनियल मास हर्निएशन हो रखा है, नकल रिजिडिटी होगी पेशेंट का, ठीक है, जो क्रेनियल कैविटी से बाहर निकला हुआ मास है, या क्रेनियल पार्ट में कोई हिमेटोमा हो रखा हो किसी टाइप की भी इंजरी के कारण। तो ये तीनों ही कंडीशंस के अंदर क्या इन्वॉल्व रहेगा भाई आपका, नकल रिजिडिटी मेन साइन होता है ये मेनिनजाइटिस का, ठीक है, तो सेरिब्रल कंक्यूजन के अंदर ये कंडीशन नहीं देखने को मिलती। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आप इनमें से कौन सा मेथड यूज़ करोगे अगर आपको किसी पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मेज़र करना है। तो अपगार स्कोर करोगे, ब्रेडन स्केल करोगे, या फिर ग्लासगो कोमा करोगे, या स्नेलन चार्ट करोगे। तो भाई GCS यूज़ करते हैं हम लोग, और ये निकालना भी आ सकता है, आपको निकालना आना चाहिए, EVM तीनों कंपोनेंट जो हैं वो आपको पता होना चाहिए, EVM होता क्या है, कौन कौन सा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। मैंने आपको बैच में इसके क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो आपको रिपीट में भी इसको कर लेना है एक बारी। प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूड, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, अर्ली डायग्नोज एंड अर्ली ट्रीटमेंट, नेक्स्ट है हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन। एक क्वेश्चन श्योर है, BFUHS NORSET RRB के पेपर में एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ से, लेवल ऑफ प्रिवेंशन का,
तो आपको पता है भाई प्राइमरी में आता है कौन सा, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अर्ली डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट किस में आता है, सेकेंडरी में आता है मैम। ये किस में आता है, ये प्राइमरी में आता है। डिसेबिलिटी लिमिटेशन आता है टर्शरी में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया, एक लिमिटेड से एरिया के अंदर कॉन्स्टेंटली एक डिजीज काफ़ी टाइम से प्रेजेंट है। इस एरिया के अंदर कॉन्स्टेंटली जितने एक्सपेक्टेड केस आपने सोचे थे उतने ही केसेस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं भाई एंडेमिक। क्या बोलते हैं, एंडेमिक। और अगर यही कंडीशन क्या हो जाए भाई, बहुत ज़्यादा केसेस इसके देखने को मिले, अनयूजुअल या सडनली आउट ऑफ सडनली अराइज हो जाएं केसेस जो आपने सोचे ही नहीं थे, सडनली अराइज हों, दैट इज़ द एपिडेमिक। फिर क्या कहलाएगा, यही कंडीशन एपिडेमिक बन जाएगी। पेंडेमिक है, एक जगह पे तो थी, वो दूसरी जगह पे भी क्या कर जाए, माइग्रेट कर जाए, फिर तीसरी जगह पे, फिर चौथी जगह पे, इस टाइप से जो कि वर्ल्ड वाइड फैली हो, दैट इज़ द पेंडेमिक, दैट इज़ द पेंडेमिक। अगला क्वेश्चन है, चिकनगुनिया फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, बताइएगा चिकनगुनिया किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो एडीज एगैप्टी के थ्रू। और कौन भाई, इससे डेंगू भी, डेंगू भी इसी से फैलता है, एडीज मॉस्किटो से। प्लाज्मोडियम मलेरिया के लिए है, ठीक है भाई। अगला है, कोल्ड चेन इज यूज्ड फॉर द, कोल्ड चेन का यूज किस लिए करते हैं, तो आपको पता है भाई वैक्सीनेशन के लिए, या फिर पायरेक्सिया को ट्रीट करने के लिए, या फिर मेंटेन करने के लिए रूम टेम्परेचर, या ऑल ऑफ दी अबो। तो किसके लिए करते हैं भाई, वैक्सीनेशन के स्टोरेज के लिए करते हैं। और हॉट चेन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, या वॉर्म चेन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, वॉर्म चेन, वॉर्म चेन का यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो वॉर्म चेन का यूज़ करते हैं हम लोग न्यू बोर्न हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए, न्यू बोर्न के अंदर। अगला क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज़ अ वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी, इनमें से कौन सा वेलकम साइन है प्रेगनेंसी का, इनमें से कौन सा वेलकम साइन है प्रेगनेंसी का, तो लाइटनिंग, कौन सा भाई, लाइटनिंग, दैट इज द वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। आइए अब बेबी क्या है, बाहर आने वाला है, ठीक है, इंगेजमेंट, इंटरनल रोटेशन, या फिर ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई, तो जो इंगेजमेंट है, इंटरनल रोटेशन है, डिसेंट है, ये तीनों क्या है, ये कार्डिनल मूवमेंट है लेबर की, कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर, मूवमेंट ऑफ लेबर। एक बार एग्जाम में इनका पूरा स्टेप वाइज स्टेप भी पूछा जा चुका है, ठीक है, आपको सर करवाएंगे ओबीजी के अंदर। अगला क्वेश्चन है भाई, द अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, कल पढ़ने वाले हो आप पीडियाट्रिक्स के अंदर, तो बताइएगा अर्लीस्ट इंडिकेटर क्या होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। ESIC में भी क्वेश्चन आया था, स्किन चेंजेस, हेयर चेंजेस, एडिमा, तो भाई क्या देखने को मिलेगा, वेट फॉर एज कंडीशन जो है, वाह वाली जो कंडीशन है वो क्या नहीं होगी भाई, पेशेंट की अच्छी नहीं होगी, तो ये वेट फॉर एज, ठीक है, एक्यूट, क्रोनिक और सीवियर एक्यूट एग्जाम में पूछा जाता है, लेस देन 3 standard deviation सैम जिसको बोलते हैं, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, एक्यूट माल न्यूट्रिशन एंड क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, ये तीन टाइप की कंडीशंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इज नॉट सीन इन न्यूबॉर्न, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी न्यूबॉर्न के अंदर देखने को नहीं मिलती, विटामिन ई डी सी के, कौन सा विटामिन जो है वो डेफिशिएंट नहीं होता भाई बच्चे के अंदर।
तो आपको पता है भाई विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये तीनों क्या है भाई? ये हैं आपके फैट सोल्यूबल विटामिन, है ना, विटामिन ए डी ई के। और जो आपका बच गया एक विटामिन सी और विटामिन बी, विटामिन सी एंड बी, ये दोनों क्या होते हैं? ये होते हैं वाटर सोल्यूबल। आपसे पूछा बच्चे के अंदर डेफिशिएंट कौन सा नहीं होता, तो भाई सबसे कम डेफिशिएंसी देखने को मिलती है विटामिन ई की, ठीक है। बाकी विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के डेफिशिएंट डेफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, जैगरी इज रिच इन, जैगरी इज रिच इन, जैगरी में सबसे ज्यादा क्या होता है? जैगरी इज रिच इन, तो आयरन होता है। बोलते ना भाई गुड़ खाना चाहिए, गुड़ में क्या होता है? आयरन होता है। अगला है भाई, द सर्कुलेटिंग नर्स इज एंटिसिपेटेड इन टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग रोल। सर्कुलेटरी नर्स जो है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, BFEHS 2023 का स्टाफ नर्स का पेपर लगा था, उसमें भी आया था, नॉर्सेट में भी आया था। आंसर कीजिएगा, सर्कुलेटिंग नर्स कौन कौन सा रोल परफॉर्म करेगी? असिस्ट करेगी सर्जन को, काउंट करेगी सारे स्पंज को पोस्ट ऑपरेटिवली, या फिर परफॉर्म करेगी यहाँ पे सर्जिकल स्क्रब नर्स का काम, या फिर वेरीफाई करेगी कंसेंट लिया गया है या नहीं। तो आपको पता है भाई एक स्क्रब नर्स होती है जो असिस्ट करती है सर्जन को, ये कौन करता है? स्क्रब नर्स। उसके बाद में काउंट करती है ऑल स्पंज, ये भी कौन करता है? स्क्रब नर्स। स्क्रबिंग भी कौन करती है? स्क्रब नर्स। वेरीफाई कौन करता है कंसेंट को? दैट इज द सर्कुलेटरी नर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD के मरीज के लिए पूछा गया है, कौन सा इंटरवेंशन है जो आप यहाँ पे लेने वाले हो? कौन सा फॉलोइंग इंटरवेंशन आप यहाँ पे लेने वाले हो COPD के मरीज के अंदर? पर्सलिप ब्रीदिंग, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर रिपीट हुआ है, 2017 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। तो भाई पर्स लिप ब्रीदिंग करवानी है ताकि मैक्सिमम CO2 बाहर जाए और ऑक्सीजन अंदर रहे, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो लाइव होगी, ये क्लास जो है वो प्रीमियम में डाली गई है, नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी YouTube पे लाइव ही मिलेंगे हम लोग कल, ठीक है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं रेगनार नर्सिंग क्लासेस के साथ, कंटेंट ऐसा ही मिलेगा आपको कि आपका सिलेक्शन होगा। अभी कुछ टफ लग रहा होगा आप स्टूडेंट्स को, लेकिन भाई अगर अब आप लोग नहीं उठे ना फिर शायद आपको मौका भी ना मिले, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना है गवर्नमेंट जॉब लेना, बहुत सारे क्या सबका सपना है, और ये सपना पूरा तभी होगा जब आप मेहनत करोगे, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो चलिएगा, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं रेगनार नर्सिंग क्लासेस के साथ।